तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पत्नीटॉप, जो कि फेमस हिल स्टेशन है, हॉलीडे डेस्टिनेशन है और बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है उन लोगों के लिए जो जम्मू आते हैं या वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आते हैं। पत्नीटॉप जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पड़ता है और इस जर्नी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कहाँ रुक सकते हैं, कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए और कौन सा टाइम अच्छा रहेगा पत्नीटॉप घूमने के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जा रहे हैं वैष्णो देवी से पत्नीटॉप। जो लोग भी वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं वो पत्नीटॉप और शिवखोड़ी जरूर जाते हैं। और पत्नीटॉप में हम जाके पता करेंगे कि स्नो का क्या स्टेटस है, क्या स्नोफॉल होने वाला है या वहाँ पर कहीं बर्फ है या नहीं। और वहाँ निकलने के लिए हमने किया है टेम्पो ट्रेवलर, बेसिकली 21 सीट की टेम्पो ट्रेवलर है और हम लोग हैं 15। दो लोग हमारे भाई इधर भी बैठे हैं और ये हमें पड़ी 11,000 रुपए में। और 11,000 रुपए में हम यहाँ से पहले वैष्णो देवी जाएंगे पत्नीटॉप, एक रात वहाँ पर स्टे करेंगे और फिर यही टेम्पो ट्रेवल हमें लेके जाएगी स्टेशन जो कि जम्मू में है, क्योंकि हमारी रेल वहीं से बन के चलेगी। पत्नीटॉप आने के लिए आप डायरेक्ट जम्मू से आ सकते हो जो कि 108 किलोमीटर दूर है और कटरा से भी आ सकते हो जो कि केवल 85 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी डेस्टिनेशन होगी वो होगी सनासर झील, जो कि पत्नीटॉप में ही पड़ती है। यहाँ से पत्नीटॉप जो है वो 95 किलोमीटर आगे है और उससे 108 किलोमीटर पर पड़ता है नत्था टॉप, लेकिन उससे भी 20 किलोमीटर आगे पड़ता है सानासर झील। तो सबसे पहले हम जाएंगे सानासर झील और रात को वहीं स्टे करेंगे। आपको होटल भी दिखाऊंगा और किस प्राइस में पड़ा मैं वो भी बताऊंगा। और जो ये बस है ट्रेवलर जो हमारे साथ है भाई रसपाल सिंह, मैं आप रसपाल सिंह का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे मैंने वीडियो में भी दिखा दिया है, तो आप जाके इनको कॉल करके और भी डिटेल पता कर सकते हो। और भी तरह की टेम्पो ट्रेवलर चलती है, आपकी मर्जी है, आप सिंगल भी जा सकते हो, ग्रुप के साथ भी जा सकते हो। तो भाई 8:15 हम निकल गए थे अपने होटल से और अभी बज रहे हैं 9:27, लगभग एक घंटा में चल चलते हो गया। तो मैं आपको वही बता दूंगा कितना टाइम वहां तक पहुंचने में लगेगा और ठंड कितनी है। वैसे तो यहाँ नीचे कटरा में तो बिल्कुल गर्मी ही थी दिन में, रात में हल्की फुल्की ठंड थी, तो वहां पर ठंड का स्टेशन था, बताऊंगा कितना टेम्परेचर है वहां पर। तो चलिए तब तक मैं आपको रास्ते के नजारे दिखाता हूँ और बढ़िया साइट सीइंग कराता हूँ। पत्नीटॉप आने का जो बेस्ट टाइम है वो नवंबर से मार्च तक रहता है। तो हम 8:30 अपने होटल से निकले थे वैष्णो देवी में कटरा से और अब बज रहे 10, लगभग 1.5 घंटे में आके हमने एक जगह गाड़ी रोकी है कुछ खाने के लिए। यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी हमने एक जगह पत्नीटॉप में भी गाड़ी को रोका है और यहाँ पर हम अभी होटल देखने वाले हैं, कोई अच्छा सा होटल मिलेगा तब हम फिर आगे घूमने जाएंगे। और यहाँ पर ठंड तो है लेकिन दोपहर के हिसाब से ठंड नहीं है, तो यहाँ पर अभी आइस बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली है। और जो हमारा ड्राइवर है जिस गाड़ी में हम आए हैं उन्होंने बोला है कि बारिश तो ऊपर हुई है, होटल देखने गए हमारे कुछ दोस्त, अगर वहाँ पर पसंद आ जाता है कोई होटल तो हम वहाँ रुकेंगे और वरना फिर हम जाएंगे आगे होटल के लिए। भाई अभी मैं भी नीचे जा रहा हूँ होटल देखने के लिए। भाई मेरे पीछे आप देख रहे हो ये रोप वे जा रहा है और ये नीचे से 3 किलोमीटर से ऊपर जाता है वहां तक। 1155 रुपए पर व्यक्ति पर पर्सन इसका प्राइस है, जो कि आप जब गाड़ी ले जाके ऊपर वहाँ आपको दिख रहा होगा उधर खड़ी कर दोगे तो वहां से इसमें बैठ के आप नीचे जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से 1155 पर पर्सन एक रोप वे के लिए, जो कि केवल आपको 3 किलोमीटर नीचे ले जाएगा इन द सेंस ऑफ रोड, ना कि ये 3 किलोमीटर लंबा मेरे ख्याल से वायर है। और जब आप पत्नीटॉप में हो तो आप वैष्णो देवी गए होंगे अगर, तो वैष्णो देवी में जाके केवल आपको 100 रुपए देकर वहां पर रोपवे की सैर कर सकते, जो कि भवन से लेके ऊपर भैरव बाबा तक जाती है। नीचे से ऊपर आने में हालत खस्ता हो गई है लेकिन हमें रूम बहुत बढ़िया मिल गया है। मैं साथ में वीडियो चला रहा हूँ होटल की बाहर से अंदर से कमरे के, वो देख लेना। रूम हमें मिला है 15 लोगों के लिए 9,000 रुपए में, जिसमें हमारा रात का फुल डिनर रहेगा, डीजे रहेगा, 5 कमरे रहेंगे, बॉनफायर रहेगा और सुबह का नाश्ता भी रहेगा। तो ये सब इंक्लूड होके हमें 9,000 रुपए मिला है 15 लोगों के लिए, यानी कि पर पर्सन केवल 600 रुपए पड़ा। होटल है ये ड्रीमलैंड, एक दूसरा ड्रीमलैंड इधर है, होटल RI ड्रीमलैंड, एक दूसरा है होटल ड्रीमलैंड। तो होटल देखने के बाद और बुक करने के बाद हम जा रहे हैं सानासर झील। तो भाई सानासर झील पर हम आ चुके हैं, गाड़ी हमने अपने पार्क कर दी है और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा कुछ खाना वाना खाने के लिए, उधर ही टॉयलेट है पास में और इधर हमें जाना पड़ेगा झील के लिए। तो चलो चलते हैं। तो भाई यहाँ से आप उतर के और वहाँ पर झील पड़ेगी, वहाँ पर जा सकते हो और लगभग ये 400 मीटर के आसपास का रास्ता होगा जहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। और इसी के सामने यहाँ पार्किंग है, यहाँ गाड़ी पार्क करके
नहीं जा सकते हैं। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल अब सनासर झील पर, काफी अच्छा यहाँ पर मैदानी इलाका है, कुछ लोग यहाँ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, मैं भी जाऊंगा खेलने के लिए। और यहाँ पर ये है झील, लेफ्ट हैंड पर वहाँ पर पानी में एक्टिविटीज करने के लिए कुछ वहाँ पर बैलून रखे हुए हैं, और राइट हैंड पर यहाँ पर बोट भी है लेकिन कोई चला नहीं रहा है। बाकी बातें बाद में करता हूँ, पहले मैं एक बॉल खेल के आता हूँ। तुम छक्का नहीं मार पाओगे यहाँ, देख रहे हो मिट्टी ऐसी यहाँ की। कभी भी शॉट मारने के लिए एक ट्राई रखना कि बल्ला हवा में होना चाहिए। ये बोट्स हैं जिस बोट्स में बैठकर आप इस झील में घूम सकते हो। और अभी बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑफ सीजन चल रहा है, क्योंकि नत्था टॉप पर बर्फ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर तो ये नत्था टॉप से भी और ऊपर 20 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी बर्फ नहीं है, तो ज्यादा लोग देखने के लिए यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर बर्फ नहीं है तो क्राउड भी नहीं है, क्राउड नहीं है तो कोई बोट में बैठना भी नहीं चाहता। बहुत से लोग मतलब व्यू को एंजॉय करते हैं, और जैसे हम जैसे लोग जो होते हैं जो आपको ब्लॉगिंग करके दिखाते हैं, उनको पता बैठना मिल नहीं पाता। तो मैं लास्ट कुछ दिनों से जब भी मैं वीडियो बनाता था, हमेशा मैं ये सोचता था कि मैं कहीं जाऊं और आराम से बैठूं, और यहां पर आराम से बैठने का काफी अच्छा मौका मिला है। लेकिन ये जो मेरा पीछे पहाड़ देख रहे हो, ये नत्था टॉप से आगे पड़ता है, और ये पहाड़ इस मौसम में हमेशा ही, मतलब मैंने यहां से बात किया 2-4 लोगों से, आज तक एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जनवरी के मौसम में ये पहाड़ ओपन हो। इसमें पूरे बर्फ रहती है, वहां से स्केटिंग स्टार्ट रहती है, जब बर्फ पड़ती है तो हमेशा लगभग ये 90% टाइम तो बंदी रहती है जगह। तो लोगों ने बोला था कि बारिश हुई है वहां पर शायद बर्फ मिले, तो हालांकि कुछ पहाड़ों पर ऊपर छोटी छोटी पर बर्फ तो है लेकिन सब जगह बर्फ नहीं पड़ी है। तो हम यहाँ आए थे कि कुछ मिल जाए, तो यहाँ बर्फ नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, स्नो बर्फ स्नोफॉल ये सब मन की बात है। मैं लगभग यहाँ 2-3 घंटे से हूँ और इतना आराम से, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ तो आराम से बैठ के मैं लोगों को देख रहा हूँ, कुछ आपको अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हमने नत्था टॉप के लिए बात की है, फिर नत्था टॉप चलेंगे। अंदर इसका चार्ज है 50 रुपए पर पर्सन। और भाई बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो झील है ना नत्था टॉप से ऊपर, अगर आप यहाँ आते हो तो इसी के सामने ना कॉटेज बने हुए हैं, ये इस तरह के कॉटेज हैं, और ये पर कॉटेज आपको 2000 रुपये मिल जाएगा। इसके अंदर आप 3 लोग भी रह सकते हो, 5 लोग भी रह सकते हो। बस दिक्कत ये है, यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा, गैस मिलेगी, किचन मिलेगा, किचन ये है, लेटरिन बाथरूम ये है, अंदर बेड डला हुआ है, डबल बेड, एक्स्ट्रा बेड दे देंगे, एक्स्ट्रा कंबल दे देंगे, और ये बिल्कुल ओपन में बने हुए हैं यहाँ पर। और बस एक छोटी दिक्कत ये है कि ये जो पीछे यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है ना, ये जंगल है इसके पीछे, तो बोल रहा है कि शेर वेर आ सकता है, वैसे आते नहीं है, हमने देखे नहीं जाता, कभी कभार आ जाते हैं साल में एक बार। तो यहाँ पर अपना आप बोन फायर भी कर सकते हो इस जगह पर, और खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा रात में, बस ये दिक्कत है। और खाना बनाने के लिए यहाँ से चल के और फिर इन रास्तों पे चल के और फिर यहाँ से ऊपर जाकर, इससे भी ऊपर थोड़ा सा शॉप है, वहाँ से तुम चावल मैगी वगैरह जो कुछ लाना ला सकते हो, और बाकायदे यहाँ गैस पे बना सकते हो, बस ये दिक्कत है। अब हम जा रहे हैं नत्था टॉप के लिए, और वहाँ भी आपको जगह दिखाता हूँ कैसी है। गाड़ी हमने अपनी यहाँ खड़ी कर दी है नत्था टॉप, अभी वहाँ के बाद हम यहीं आए हैं डायरेक्ट, अभी झील पर थे, झील के बाद हमें शाम हो गई है। वैसे यहाँ पर कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी करके डांस कर रहे हैं, और यहाँ पर मैगी वगैरह की छोटे मोटे जो स्टॉल होते हैं वो हैं, और क्योंकि बिल्कुल अभी सीज़न है ही नहीं, बर्फ़ है ही नहीं, यहाँ पर इतनी बर्फ़ होती थी कि मतलब ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाते थे रास्ते, सारे ब्लॉक जो रास्ते हैं ये सब बिल्कुल ब्लॉक हो जाते थे। लेकिन बिल्कुल सूखा हुआ है, ना तो मनाली ना हिमाचल ना जम्मू में कहीं पर भी बर्फ़ है ही नहीं, और ये नत्था टॉप है, यहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड है ना, 4 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, और बेटर यही होगा कि टाइम से पहले अपने बस में जाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम यहाँ एक दिन रुके, तो एक दिन रुकने के बाद ये रियलाइज होता है कि चाहे यहाँ बर्फ पड़ी हो या ना पड़ी हो, आप केवल यहाँ पे 1 या 2 दिन ही मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 4 दिन के लिए आ गए और आपको मजे आ रहे हैं, टाइम कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और खासतौर से जो लोग फ्लैट जमीन पर रहते हैं, जैसे हम नोएडा दिल्ली से आए हुए हैं, तो उनके लिए तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बहुत है मतलब रहने के लिए, बाकी उसके बाद मन लगने वाला तो यहाँ है नहीं। और सबसे ज्यादा मजा यहाँ तब आता है जब आप ग्रुप में आओ, जैसे हम 15 लोग आए हैं तो टाइम बिल्कुल बढ़िया कटा है। अगर आप सिंगल या डबल आ रहे हो तो भाई एक दिन कटना भारी पड़ जाएगा, कटना भारी पड़ जाएगा। ग्रुप के साथ आया तो टाइम पास तो हो जाता है, अदरवाइज बंदा अगर सिंगल आएगा तो उसमें एक दिन भी स्पेंड करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश करो कि जैसे दोस्तों में हो, दोस्त बनाओ, नेचर अच्छा रखो, बाकी भाई इन जैसा मत रखो। और इन जैसा बिल्कुल मत रखना भाई, ब्लॉग में ब्लॉग जो बनाते हैं ये तो सबकी झंड मारते रहेंगे ग्रुप में। हमारे 4 बंदे पीछे आ रहे हैं, उनको तो जीना दुश्वार कर दिया ने रात को। तो हमारा वो होटल था, और उस होटल से बस थोड़ी सी हम चल के और इस जंगल में थोड़ा सा व्यू का मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुम जंगल के समय बहुत अंदर आ गए हैं, लगभग 400-500 मीटर भाई, जंगल जितना भी उतना घना होता जा रहा है।
वैसे हमसे बोला है कि यहाँ पे शेर भी रहते हैं, और अभी हम ऊपर गए थे तो उन्होंने बोला कि 2-3 शेर यहाँ पे मतलब कभी भी आते हैं लेकिन आग देख के लोगों को देख के नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। तो वापस चलते हैं, हम ज्यादा अंदर आ गए हैं और इतना जबरदस्त मतलब सुंदर पेड़ पौधे भाई देख के मजा आ गया। तो भाई रात के 8 बज चुके हैं, होटल में हम अपने आ चुके हैं, काफी ठंड है और इन होटल वालों ने हमें बोनफायर करके दिया है और साथ में डीजे भी लगा के दिया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, 2 सेकंड लगेंगे लाइक करने के लिए, और कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं, मेरा नाम है सागर शर्मा, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका कैसा भी कोई सा भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हैं, मैं उस मैसेज का 100% आपको रिप्लाई करूंगा। मेरी इंस्टाग्राम की ID है @thebhavsagarvlogs।